औंधे मुंह गिरी कंगना रनौत की धाकड़, शोज हो रहे कैंसिल, यूजर्स ने दी दिलचस्प प्रतिक्रिया। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का हाल बेहाल है। भुलभुलैया 2 के साथ रिलीज हुई धाकड़ वीकेंड पर भी कोई कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में वीक डेज में तो ये कई सिनेमा घरों से बाहर हो गई। फिल्म की ऐसी हालत है कि दर्शकों की संख्या नहीं होने से थिएटर मालिकों को शोज कैंसिल करने पड़ रहे हैं और उसकी जगह भुलभुलैया 2 के शोज को रखा जा रहा है। धाकड़ को पहले दिन से ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पत्रकार अभिनव पांडे ने ट्वीट करके लिखा, कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ औंधे मुंह गिर गई। कल कई जगहों पर एक भी दर्शक न मिलने की वजह से सिनेमा घरों में शो रद्द कर दूसरी फिल्म लगानी पड़ी। एक अभिनेत्री ने कहा, सब कर्मों का फल है। बीते दिनों किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रही थी कंगना। कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। एक दौर था जब कंगना की एक्टिंग के चर्चे थे, फिर उनको राजनीति रास आने लगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने लिखा, फिल्म धाकड़ के लिए कंगना रनौत को ट्रोल करना बेहद अनुचित है। हम कंगना रनौत से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य से दूर नहीं जा सकते कि वो आज सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक है और जोखिम लेने वाली है। कंगना रनौत को मोर पावर। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने तहसीन की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या बकवास है, दर्शकों ने एक खराब फिल्म को खारिज कर दिया है जो शो में शून्य हो रही है। सच बोलना ट्रोलिंग है, सच में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 करोड़ में बनी धाकड़ 3 दिन में महज 3 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन ही कर पाई है। कंगना की मणिकर्णिका को छोड़ दे तो साल 2015 के बाद से उनकी ये लगातार 8वीं फ्लॉप फिल्म है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।